So here again, Samarth Desai on guitar. हुबली से आए हैं और बहुत ही अच्छा शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं और जैसे आपने देख ही लिया इनका क्लासिकल का कमांड और अनोखा टेक्निक लेकर बजाते हैं. सो व्हाट आर योर इंस्पिरेशन, कहाँ से ये गिटार सीखने का कहाँ से आया? मेरा फादर गिटारिस्ट. आपके फादर गिटारिस्ट? अच्छा, मतलब वो सब इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं. तो उनसे मैंने एक्चुअली घर में गिटार. अच्छा, डैडी का थोड़ा आपको जोर से बोलना पड़ेगा, फोन बहुत दूर है. अच्छा, तो एक्चुअली डैडी का एक ऑर्केस्ट्रा था, तो उसमें मैं देखता था कैसा होता है. तो घर में सब इंस्ट्रूमेंट रहता था, तो मैं गिटार लेके ऐसे बजा रहा था. डैडी को अच्छा लगा, मतलब एक कुछ बजा सकता. तो बाद में डैडी का एक फ्रेंड था विजय, उनके पास मेरे को ऐसे बेसिक कॉर्ड्स वो सब सिखाने के लिए मिला. तो मैंने बाद में ऐसे क्लासिकल में ज़्यादा, मेरे डैडी हर सुबह शहनाई का या बांसुरी का कुछ ऐसे कैसेट्स लगा देते. हाँ, तो मेरे को ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट आ गया. तो मैंने ऐसे सुनते सुनते वो जो बांसुरी में कैसा ऐसा मेन होता है, कौन सा नोट बजा है, वो सब ऐसे ग्रास्प करके मैं प्ले करता था. क्या बात है. आपने अभी आपने कहा कि आपने सितार प्लेयर से सीखा है. हाँ, उनका गुरुजी का नाम? हाँ, मल्लिकार्जुन तलेगट्टी मेरा गुरुजी. मल्लिकार्जुन तलेगट्टी जी? हाँ, हुगली में ही रहते हैं अभी, धारवाड़ में. धारवाड़ में. हाँ, तो उनके पास मैं गया, उनसे जो भी सितार टेक्निक से और राग को कैसा उसको प्रेजेंट करने का. और अभी ये गायकी कहाँ से आ रही है आपकी? मैं पंडित जयतीर्थ मेमन जी का बहुत गाना सुनता था, और गंगूबाई हरंगल जी का उनका भी सुनता था. बहुत सारे ऐसे क्लासिकल सीरीज में रोज यही काम था, मतलब सुनने का. जो भी क्लासिकल म्यूजिक मेरे पास था कैसेट्स, वो पुराने कैसेट, तो मैं टेप रिकॉर्ड में डालता था, मतलब एंजॉय करता था. तो बाद में मेरे को उसको कैसे गाते हैं राग के बारे में थोड़ा समझ में आने लगा. तो गुरु जी को पूछा मैंने कैसे राग है ऐसा, तो उन्होंने मेरे को इंट्रोडक्शन दिया कैसा हम सब में होता है. ग्रेट. जस्ट टू मतलब आधा अधूरा उन्होंने बजाना शुरू कर दिया, मैंने भी वीडियो शुरू कर दिया. ऐसे ही भी आए थे मुझसे मिलने, और आई जस्ट हर्ड अ कपल ऑफ हिज अदर वीडियोज ऑन फेसबुक, एंड मैंने कहा ठीक है मिलना ही है. तो फिर उसके बाद बजाना शुरू किया, तो मैंने कहा कि मुझे भी डिस्टर्ब करना चाहिए उसको बजाते हुए. और मुझसे रहा नहीं गया. इट हैड टू एक्चुअली आपसे भी एक इंस्पिरेशन ही. नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इतना बड़ा मत बनाओ. ये समर्थ देसाई वंस अगेन. तो हम एक छोटा सा ना एक तराना नुमा कुछ करते हैं फास्ट में. आपको जो मन करे उस लय में आप करिए. हाँ, जैसे आप जो आपको मन करे.
क्या बात है, वाह, समर्थ देसाई फॉर यू, थैंक यू।